हेलो टेकीज, वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से कुछ एसक्यूएल क्वेरीज फोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो 2 घंटे का मैंने एसक्यूएल क्वेरीज सॉल्व करते हुए मैंने वीडियो बना रखा है। प्लीज़ उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको भी देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। और चलिए शुरू करते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं और फिर एसक्यूएल फोड़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बता देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे इस क्वेरी सॉल्विंग में, ठीक है। यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा आप लोग डेटाबेस नेम एंड स्कीमा नेम, जो कि यहाँ पे स्कीमा नेम है स्कॉट डॉट ऐसे लिखना चाहिए तो आदत अच्छी बनी रहती है। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कॉट डॉट ई पी टी, ये दूसरा टेबल है। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कॉट डॉट सेलग्रिड, ये तीसरा टेबल है। ये 3 टेबल में ही हम काम करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा यहाँ पे है, ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी, ये ई एम पी डेटा है पूरा। और ये है डिपार्टमेंट टेबल, इनके बीच में प्राइमरी की सेकेंडरी का जो भी कनेक्शंस हैं वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे मैं समझाते जाऊंगा, ठीक है। ये 3 मेन टेबल हैं जिस पे हम काम करने वाले हैं। और इसको कैसे डेटा इंपोर्ट करना है, डेटा के डिटेल कमांड्स, वो सब मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप इस पूरे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी 59th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिछले बार 58th क्वेश्चन सॉल्व किया था, तीन तरीके से ऑलमोस्ट सॉल्व किया था। तो वो वीडियो भी आप जा सकते देख सकते हैं इस पूरे प्लेलिस्ट में। इससे पहला वीडियो है, 59th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिस्प्ले द जॉब ग्रुप्स हैविंग टोटल सैलरी ग्रेटर देन मैक्सिमम सैलरी फॉर मैनेजर्स। डिस्प्ले द जॉब ग्रुप्स, एक बार सेलेक्ट फ्रॉम ईएमपी कर के देख लेते हैं। मैं डायरेक्ट ईएमपी देख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो स्कीमा नेम है और डेटाबेस नेम है ऑलरेडी लिख रखा है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट से टेबल नेम लिख रहा हूँ। बट आप अपनी आदत बना के रखिए कि आप स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम लिखेंगे, और अगर डेटाबेस भी अगर डिफाइन नहीं होता तो डेटाबेस डॉट स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम लिखेंगे, ठीक है। मैं बार बार हर वीडियो में ये दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपको आदत रहनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जॉब ग्रुप्स, ये रहा जॉब ग्रुप है। तो यहाँ पे डिस्प्ले द जॉब ग्रुप्स हैविंग टोटल सैलरी ग्रेटर देन द मैक्सिमम सैलरी। सो पहले टोटल सैलरी का निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है नहीं, इसको हम तोड़ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं किस तरह अप्रोच करना है प्रॉब्लम को वो मैं सिखा रहा हूँ धीरे धीरे आपको, ठीक है। तो डिस्प्ले द जॉब ग्रुप्स हैविंग टोटल सैलरी, तो टोटल सैलरी क्या करेंगे, सम ऑफ सैल कर देंगे, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, ईएमपी वेयर जॉब इक्वल टू, क्या बोला है, डिस्प्ले द जॉब ग्रुप्स हैविंग टोटल सैलरी ग्रेटर देन द मैक्सिमम सैलरी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो यहाँ पे सम ऑफ करेंगे ना, सम ऑफ सैल, तो टोटल सम ऑफ सैलरी द पूरा एम्प्लॉय टेबल का सैलरी जो है सम इतना आ रहा है। बट हमें क्या निकालना है, टोटल सैलरी हैविंग टोटल सैलरी ग्रेटर देन द मैक्सिमम सैलरी फॉर मैनेजर्स, द जॉब ग्रुप्स हैविंग टोटल सैलरी ग्रेटर देन द मैक्सिमम सैलरी, ठीक है। पहले मैक्सिमम सैलरी ऑफ मैनेजर का निकालते हैं, मैक्स ऑफ सैल फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर, जॉब इक्वल टू मैनेजर हमें एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे मैनेजर, हाँ यहाँ मैनेजर है, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम सैलरी मैनेजर का निकल के आ गया ये, ठीक है। डिस्प्ले द जॉब ग्रुप्स हैविंग टोटल सैलरी वेयर, यहाँ पे लिख देंगे, सब क्वेरी सॉल्व करता हूँ मैं, वेयर नहीं आएगा यार, यहाँ पे वेयर नहीं आएगा, हैविंग, ठीक है, हैविंग आएगा क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन है ना, हैविंग सम ऑफ सेल ग्रेटर देन दिस वन,
हमें ग्रुप ऑफ जॉब चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ग्रुप बाय लगा देंगे, ग्रुप बाय जॉब, क्योंकि हमको जॉब के नाम चाहिए, ठीक है। सम ऑफ सैलरी नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे जॉब चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये जो जॉब है इनके सम भी लिख ही देता हूँ मैं, सम ऑफ सैल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सम ऑफ सैल, देखिए यहाँ पे इस सब करके पहले मैं तोड़ देता हूँ, ठीक है। इस सब करके आंसर क्या आया, 2975, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसका जो आउटपुट आ रहा है इनर क्वेरी का, आउटपुट है वो 2975, ठीक है, 2975। अब ये 2975 से जो यहाँ ये, अभी इसको इसको बस इसको कर, इसको रन करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हर एक कैटेगरी आ गया, ठीक है। हर एक मैनेजर का इतना हो गया, क्लर्क्स का इतना हो गया, ये कैटेगरी हो गया, ये सब कैटेगरी के क्या हो गया, ये टोटल सम ऑफ सेल है, ठीक है। डिस्प्ले द जॉब ग्रुप्स हैविंग टोटल सैलरी ग्रेटर देन द मैक्सिमम सैलरी ऑफ मैनेजर्स। तो मैक्सिमम सैलरी कितना है, 2975। तो मतलब ये सब कुछ आना ही चाहिए आउटपुट में, ठीक है ना, सब कुछ आना ही चाहिए। ऐसा मत नहीं कि आप डायरेक्ट ये लिख दोगे, ठीक है। बट हमें लिखना है ये जो सम ऑफ सेल होगा किसका, हर एक जॉब का, हर एक जो जॉब कैटेगरी है उसका जो सम होगा वो मैनेजर के मैक्सिमम सैलरी से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मैक्स सैल ऑफ मैनेजर, मैनेजर को मैक्स सैलरी है वो ये निकल गया, ठीक है। तो वो ये निकल गया, इससे बड़ा होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो आउटपुट आया, ये आउटपुट ही आएगा, बट हमें पूरा क्वेरी रन करना है। यहाँ पे मैं आया, कंट्रोल एंटर करूँगा मैं, देखिए आउटपुट आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने जॉब लिया है, ये जॉब के नाम ही चाहिए, ये तो चाहिए भी नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया। तो सेलेक्ट जॉब एंड सम ऑफ जॉब, ठीक है, क्योंकि चाहिए हैविंग टोटल सैलरी, चाहिए टोटल सैलरी, उस जॉब का टोटल सैलरी चाहिए मुझे, ठीक है। तो आप अगर क्या कहते हैं, एम्प्लॉय टेबल रन कर देते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे बस असेंडिंग कर देता हूँ। यहाँ पे एनालिस्ट के दो हैं, तो एनालिस्ट के दो, ये मैनेजर नहीं, सॉरी, 3,000, 6,000 है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रन करेंगे तो एनालिस्ट के कितने आने चाहिए, सम ऑफ एनालिस्ट आना चाहिए 6,000। यहाँ पे देखिए एनालिस्ट का 6,000 आ गया, आप समझ रहे, मतलब हर एक जो जॉब कैटेगरी है उसका जो टोटल सैलरी है, मतलब उस कैटेगरी में दो तीन एम्प्लॉय होंगे, उन दो तीन एम्प्लॉय के जो सम होंगे ना सैलरी के, जो टोटल होगा वो मैनेजर के मैक्सिमम सैलरी से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मैनेजर के सैलरी निकाल दिया, इससे बड़ा क्या हो गया, जो भी सैलरी होगा वो आउटपुट में आना चाहिए। क्वेरी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बट मैंने तोड़ तोड़ के जब सॉल्व किया है तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझिए, उसको तोड़ के सॉल्व कीजिए। पहले मैनेजर का सैलरी निकाल दिया हमने, और फिर क्या कहते हैं, हर एक जॉब कैटेगरी का सब निकाल दिया, और फिर ये हैविंग क्लॉज लगा दिया उस पर, ठीक है। वेयर क्लॉज नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे हम एग्रीगेट फंक्शन से लगा रहे हैं, तो इसलिए हैविंग क्लॉज आ जाएगा। तो ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज, ठीक है। आपको कोई भी डाउट आता है ना ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज कैसे यूज़ करना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब करके देखिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, और फिर भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 10 विद सैलरी ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी एम्प्लॉय वर्किंग इन अनदर डिपार्टमेंट। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम डिपार्टमेंट 10। चलो पहले डिस्प्ले एमपी वेयर डीपीटी नंबर इक्वल टू 10, ठीक है। पहले ये हो गया, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये डिपार्टमेंट 10 के हैं, इतना हो गया। विथ सैलरी ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी एम्प्लॉय वर्किंग इन अनदर सैलरी, सो एनी एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन दैट ऑफ, देखो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट सैल फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, सेलेक्ट सैल फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इस पार्ट का मैं क्वेरी लिख रहा हूँ, ठीक है। सैलरी ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी एम्प्लॉय वर्किंग इन अनदर डिपार्टमेंट, तो ये सैलरी, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम ई एम पी वेयर वेयर डी पी टी नंबर नॉट इक्वल टू, ठीक है। ऐसा नॉट लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी नॉट लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी नॉट चलेगा, नॉट इक्वल टू 10, यहाँ पे सैलरी नॉट इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये जो सैलरी जहाँ हम डिपार्टमेंट डेल का नहीं है, इनसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, इनसे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम वेयर डिपार्टमेंट 10 एंड सैल ग्रेटर देन इसको ले आते हैं अंदर ओपन ब्रैकेट सब क्वेरी का क्लोज ब्रैकेट, ठीक है।
ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये क्या एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया, हटा देते हैं। सैलरी यहाँ पे एक चीज़ आएगा नया, ध्यान दीजिए, ए एन वाई एनी, यहाँ बोला ना एनी एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एनी, किसी भी एम्प्लॉय से ज़्यादा आता है तो। अच्छा ये सेलेक्ट अगर ओके, इनर क्वेरी, इनर क्वेरी देखिए, इनर क्वेरी क्या कर रहा है, जो सैलरी ला रहा है जो डिपार्टमेंट 10 में नहीं है, ठीक है, डिपार्टमेंट 10 में नहीं है उसका सैलरी ला रहा है, ठीक है। और कंपेयर किससे करना है, यहाँ पे डिपार्टमेंट 10 है बट उसमें मेरे को वही एम्प्लॉय चाहिए जिनका सैलरी दूसरे डिपार्टमेंट से ज़्यादा है। डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिपार्टमेंट 10, एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिपार्टमेंट 10, ये हो गया, ये सफाइस हो चुका है, जो पहला पार्ट है डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 10, ये सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। विथ सैलरी ग्रेटर देन दैट ऑफ, सैलरी ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी एम्प्लॉय वर्किंग इन अनदर डिपार्टमेंट, एनी एम्प्लॉय वर्किंग इन अनदर डिपार्टमेंट, तो दैट एम्प्लॉय नंबर अगर क्या कहते हैं डिपार्टमेंट 10 के अलावा है, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, नॉट इक्वल टू 10, ठीक है। मैं यहाँ से 20-30 भी लिख सकता था बट कल को अगर 40 का डाल दिया तो ये क्वेरी काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे दिमाग लगाना है, नॉट इक्वल टू 10, मतलब 10 के अलावा जो भी है उसके से ज़्यादा होना चाहिए, वो एम्प्लॉय ले आओ बस, ठीक है। ये तीन एम्प्लॉय आएंगे जिनकी सैलरी दूसरे से ज़्यादा है, किसी भी एक एम्प्लॉय से ज़्यादा हो। यहाँ पे सेम चीज़ अगर मैं ऑल लगा दूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट मैक्स सैलरी उठा लेगा, जैसे मतलब यहाँ पे जो यहाँ इस क्वेरी में जो भी रिजल्ट आएगा ना, बेसिकली इस क्वेरी के रिजल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, ऑल इस क्वेरी के रिजल्ट में जितने भी आ रहे हैं ना, इन सब से ज़्यादा होना चाहिए तभी आउटपुट आएगा, तो इसीलिए वो आ रहा है बस किंग का जा रहा है, किंग का 5000 है ना, क्योंकि इस क्वेरी में देखें तो वैसे हाईएस्ट अगर मैं यहाँ से असेंडिंग कर दूँ, हाईएस्ट 3000 है, 3000 से ऊपर किसका है, उसी का आउटपुट आने वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो 3000 से ऊपर एक ही 5000 ही है, तो इसीलिए एनी लिखा है, तो हम यहाँ एनी ही फॉलो करेंगे, बट मैं ऑल भी सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर जितनी भी अंदर वैल्यू उसके ऑल के साथ कंपैरिजन करनी है तो हम ऑल यूज़ करेंगे, बट उसके साथ किसी भी एक के साथ ज़्यादा हो तो एनी हो जाएगा, ठीक है। ये तो नया चीज़ सिखाया है, एनी एंड ऑल ध्यान रखना है, वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा फिर से रिवाइंड करके फिर से देखिए, ठीक है। इस बार मैं दो ही क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रुप बाय भी, हैविंग क्लॉज भी लगाया है, एंड ऑल, एनी एंड ऑल भी समझाया है, ठीक है। और इसी चीज़ का अगर आप किसी और तरह से सॉल्व कर सकते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना इसको, ठीक है। और आगे नेक्स्ट 61 और उसके आगे भी सॉल्व करेंगे, मोस्टली मैं ट्राई कर रहा हूँ हफ्ते में एक दो वीडियोज़ लाने की, अगर आप लोग इस तरह से सपोर्ट करेंगे तो मैं पक्का और भी वीडियोज़ लाऊंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको बहुत वीडियो में मज़ा आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ अपडेट्स देता रहूँगा। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।